दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाएं दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु नानक जी ने अनेक उल्लेखनीय कार्य करके दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। बात उन दिनों की है जब गुरु नानक जी अपने दो शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। एक का नाम बाला जो हिंदू था और एक नाम मर्दाना जो मुस्लिम था। मर्दाना ने गुरु नानक जी ने कहा कि मैं मक्का जाना चाहता हूँ। यह सुनकर गुरु नानक जी ने मर्दाना को साथ लेकर मक्का जाने का फैसला लिया। एक वर्ष की यात्रा के बाद दोनों मक्का पहुँचे। इतना लंबा सफर तय करने के बाद दोनों बहुत थक गए थे और फिर वह मक्का के पास बने विश्राम गृह में जाकर सो गए। तभी विश्राम गृह की देखरेख में लगे एक मुस्लिम ने उन्हें बोला कि आप काबा की तरफ इस तरह से पैर करके नहीं सो सकते। यह सुनते ही गुरु नानक जी बोले कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे पैर काबा की तरफ है। गुरु नानक जी ने बोला कि तुम मेरे पैर उस तरफ घुमा दो जिस तरफ खुदा का घर ना हो। यह सुनकर उस मुस्लिम ने गुरु नानक जी के पैर उल्टी दिशा की ओर घुमा दिए और फिर उसने खड़े होकर काबा को देखा तो पाया कि जिस तरफ गुरु नानक जी के पैर हैं काबा वही है। उसने एक बार फिर से गुरु नानक जी के पैर घुमाए और उसने फिर देखा कि काबा उसी तरफ है जिस तरफ गुरु नानक जी के पैर हैं। यह देखकर उस मुस्लिम ने सारा मामला वहां के काजी और सभी मुस्लिमों को बताया। जब गुरु नानक जी वापसी की तैयारी कर रहे थे तो वहां के काजी ने उनसे विनती की और कहा कि वह अपनी कोई निशानी काबा में छोड़ दे। यह सुनकर गुरु नानक जी ने अपनी खड़ाऊ वहीं छोड़ दी जो कुछ समय तक काबा में ही रखी हुई थी, लेकिन बाद में वह हटा दी गई। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।